नमस्कार दोस्तों, मेफेनमिक एसिड और पैरासिटामोल दोनों फीवर और पेन में दी जाने वाली मेडिसिन है। अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो इनकी स्ट्रेंथ और पावर बढ़ जाती है। इनके साइड इफेक्ट और कॉम्प्लिकेशन कम देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए मेप्टलपी, मेप्टलपी में होता है मेफेनमिक एसिड और पैरासिटामोल का कॉम्बिनेशन। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। मेफ्टलपी एक नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग की क्लास से बिलोंग करती है। ये वे ड्रग होते हैं जो पेन में आराम दिलाते हैं, इंफ्लामेशन को कम करते हैं और फीवर को रिड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर बच्चे को हाई ग्रेड फीवर है, बॉडी पेन है, मस्कुलर पेन है, कोई ज्वाइंट्स में पेन है, तो उसमें हम मेफ्टलपी का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर बच्चे को एब्डोमिनल पेन है, अब एब्डोमिनल पेन भी काफी रीजन से हो सकता है, गैस्ट्रिक हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन के कारण हो सकता है या मस्कुलर हो सकता है। अगर मस्कुलर पेन है तो उसमें हम मेफ्टलपी का यूज कर सकते हैं, लेकिन गैस्ट्रिक है तो उसमें मेफ्टलपी काम नहीं करेगी। देखिए, बच्चों में सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है डोज को लेकर कि किस बच्चे को कितनी डोज दें। जिस तरह अडल्ट की फिक्स डोज होती है, सभी अडल्ट को सेम डोज लेनी होती है, बच्चों में ऐसा नहीं होता। सभी बच्चों की डोज अलग होती है उनके वेट के अकॉर्डिंग। जनरली मेफ्टलपी की डोज 5 से 10 mg होती है पर केजी वेट के अकॉर्डिंग, पर सबसे बेस्ट और एवरेज डोज होती है 6 mg पर केजी। मतलब अगर बच्चे का वेट 1 किलोग्राम है तो हम उसे 6 mg मेफ्टलपी दे सकते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, 5 ml मेफ्टलपी में होता है 100 mg मेफेनमिक एसिड। ये आपको सिरप के पीछे देखने को मिल जाएगा। अगर हम इसका 1 ml निकालते हैं तो 1 ml मेफ्टलपी में होगा 20 mg मेफेनमिक एसिड। अब आप कहेंगे कि आपने पैरासिटामोल को तो काउंट किया ही नहीं, तो इसमें पैरासिटामोल को काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो इसी में इंक्लूड हो जाता है। मान लीजिए बच्चे का वजन है 10 kg, तो 1 kg वेट पर हम मेफ्टलपी कितना देते हैं, 6 mg, तो 10 kg पे कितना हुआ, 60 mg। मतलब अगर बच्चे का वजन 10 kg है तो हम उसे 60 mg तक मेफ्टलपी दे सकते हैं। अब 1 ml मेफ्टलपी में होता है 20 mg मेफेनमिक एसिड, तो 60 mg में कितना ml हुआ, 3 ml। मतलब 3 ml मेफ्टलपी हम बच्चे को दे सकते हैं अगर बच्चे का वजन 10 kg है तो। अगर अब भी आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूले से समझाता हूँ। इसमें क्या है कि आपको 6 को मल्टीप्लाई करना है आपके बच्चे के वेट से, और जो फिर वैल्यू आती है, जो वैल्यू आएगी उसको डिवाइड करना है 20 से, और जो रिजल्ट आएगा वो ml में होगा। मतलब उतना ml आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने स्क्रीन पे दिखाया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। बात करें इसके ड्यूरेशन की, तो मेफ्टलपी को 5 से 7 दिन से ज्यादा नहीं देना चाहिए। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि बच्चों को कोई भी मेडिसिन या सप्लीमेंट देने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन या इमरजेंसी भी आ जाती हैं, जैसे बच्चे को सीवियर पेन हो गया या फीवर हो गया, और उस कंडीशन में आप बाहर नहीं जा सकते, डॉक्टर को नहीं दिखा सकते, तो उस कंडीशन में आप इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। देखिए, मेफ्टलपी को यूज करने से पहले कुछ सावधानियों को भी ध्यान में रखना चाहिए। जैसे अगर आपके बच्चे के डाइजेस्टिव ट्रैक में इंफ्लामेशन, स्वेलिंग या पेन है, या बच्चे को अस्थमा है, सीजर की कोई हिस्ट्री है, वोमिटिंग या स्टूल के थ्रू ब्लड आ रहा है, या बच्चे को पेप्टिक अल्सर है, पेट में कोई अल्सर है, या हार्ट, किडनी और लीवर से रिलेटेड कोई बीमारी है, तो उस कंडीशन में मेफ्टलपी को अवॉइड करना चाहिए। हर मेडिसिन की तरह मेफ्टलपी को लेने से भी कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे डायरिया, दस्त लग सकते हैं, स्किन रैशेस हो सकते हैं, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द हो सकता है, डिजीनेस, चक्कर आ सकते हैं, और माउथ ड्राई भी हो सकता है। अगर आपको कोई भी सीवियर साइड इफेक्ट देखने को मिले या महसूस हो तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।